एक पनडुब्बी है। पनडुब्बी के अंदर पांच लोग हैं, पांच लोग जिनके सिर पर एक ही धुन सवार है। धुन कि 111 साल पहले जो एक जहाज पानी के अंदर, समंदर के अंदर समा गया था, उसे ढूंढेंगे, उसका मलबा ढूंढेंगे। पांच लोग पनडुब्बी में ये मलबा ढूंढने के लिए निकलते हैं। कुछ ही घंटे बीतते हैं कि उनका संपर्क बाहरी दुनिया से टूट जाता है। पनडुब्बी को लेकर तमाम तरह की बुरी खबरें आने लगती हैं। खबरें आती हैं कि पनडुब्बी में ऑक्सीजन बस चंद घंटों की बची है और पनडुब्बी डूबने के, नष्ट होने के कगार पर है। और फिर 48 घंटे भी नहीं बीते होते हैं कि वो बुरी खबर आ जाती है जिसको कोई नहीं सुनना चाह रहा था। पनडुब्बी पानी के अंदर नष्ट हो जाती है उसी जगह के पास जिस जगह करीब 111 साल पहले वो जहाज नष्ट हुआ था जिसका मलबा ढूंढने के लिए ये पांच लोग पनडुब्बी में निकले थे। पनडुब्बी नष्ट होने के साथ पांचों की मौत हो जाती है। हम बात कर रहे हैं टाइटन पनडुब्बी की, जो 111 साल पहले अटलांटिक महासागर में डूबे जहाज टाइटैनिक का मलबा ढूंढने के लिए निकली थी। पनडुब्बी में पांच लोग थे और पनडुब्बी के नष्ट होने से पांचों की मौत हो गई। जानकार कह रहे हैं कि अब इन पांचों के शव निकालना भी संभव नहीं होगा। समंदर की गहराई में जाना, इनके शव को ढूंढना अब संभव नहीं। इन सारी बातों के बीच सबकी अलग अलग राय आ रही है कि पनडुब्बी आखिर हादसे का शिकार क्यों हुई। क्या उसके बनाने में ही कोई कमी थी? क्या टाइटैनिक जहाज जहां पर डूबा था उस जगह के आसपास परिस्थितियां इतनी विपरीत हो चुकी हैं, इतनी विषम हो चुकी हैं कि वहां जाना, चाहे पनडुब्बी से चाहे गोताखोरों का जाना, अब संभव नहीं है। इन सारी बातों के बीच, विशेषज्ञों के अपने अपने बयानों के बीच, एक बयान अब डिस्कवरी चैनल टीम के सदस्य ब्रायन वीट का भी आया है। ब्रायन वीट डिस्कवरी के तमाम ऐसे खोजी अभियानों के सदस्य रहे हैं, कैमरे पर उनकी अच्छी पकड़ रही है और इस नाते वो तमाम खोजी अभियानों के, चाहे वो जल में हो या थल में, उनके सदस्य रहे हैं। ब्रायन वीट टाइटन पनडुब्बी में सवार भी हो चुके हैं। जब इस पनडुब्बी की टेस्ट राइड हुई थी तो जो लोग उसमें शामिल थे उनमें से एक नाम ब्रायन का भी था। ब्रायन ने इस पूरे हादसे पर कहा है, मैं 100% जानता था कि ये पनडुब्बी पानी में गई तो यही होगा। मई 2021 में मैं टाइटन पनडुब्बी की टेस्ट राइड में शामिल था। मैंने तभी ओशन गेट को कह दिया था कि इस पनडुब्बी में और इसको चलाने की तकनीक में तमाम गड़बड़ियां हैं और इसे किसी भी कीमत पर समुद्र में नहीं उतरना चाहिए। टेस्ट राइड शुरू होते ही दिक्कतें सामने आने लगी थी। कंप्यूटर सिस्टम तक कायदे से काम नहीं कर रहे थे। प्रोपल्शन सिस्टम फेल होता दिख रहा था। पनडुब्बी का संपर्क टूट रहा था। मैंने तभी कहा था कि ये पनडुब्बी लेकर आप 13,000 फीट नीचे नहीं जा सकते। हालांकि उनके, यानी टाइटन पनडुब्बी वालों के हौसले से मैं प्रभावित था। ब्रायन वीट की इस बात ने अब तमाम सवाल और भी खड़े कर दिए हैं ओशन गेट कंपनी पर भी, टाइटन पनडुब्बी की बनावट पर भी, कि क्या ये पनडुब्बी उतनी मजबूत थी ही नहीं कि ये अटलांटिक महासागर के अंदर 13,000 फीट तक जा सके। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।